बड़वानी जिले कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने अपनी धर्मपत्नी के जन्मदिवस पर एक अनूठी मिसाल पेश की है। ग्राम पाडलम पहुंचकर उन्होंने पौधारोपण किया है। बताया जा रहा है कि 5,555 पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़वानी जिले के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और SDM भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी पौधे लगाए हैं। गाँव और आसपास से आए सभी नागरिकों ने मिलकर मानव श्रृंखला भी बनाई। पाडला से रवि काक की रिपोर्ट। वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है आज। बड़ा एक खुशी का अवसर है कि एक ठीकरी के छोटे से गांव पाडलिया में एक बहुत बड़ी स्थान पर जहां पर हम बैठे हुए हैं, यहां पर हमारे अनुभाग की पूरी टीम, हमारे SDM राजपूत वीर सिंह और इस गांव के जो युवा लोग हैं, इसका इको अर्थ वॉरियर फाउंडेशन, गायत्री परिवार, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच अभी चुन के आए हुए नए लोग, मेरे साथ में आए हुए जिले की टीम और यहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारी और गांव के लोगों ने मिल करके इस गांव में आज 5,555 पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये पूरी टीम बधाई की पात्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई थी और उनका जो सीधा मैसेज है कि लोग वृक्षारोपण से जुड़े और हर वक्त जुड़े, और इस गाँव के लोगों ने इस मुख्यमंत्री जी की अपील को साकार किया हुआ है। गाँव के लोग आकर के पौधे लगा रहे हैं, पौधे अपलोड कर रहे हैं। मेरी भी आप सभी से अपील है कि ये पौधे लगाए हुए हैं, इन सभी पौधों को सुरक्षित रखें, पानी की व्यवस्था करें, देखरेख की व्यवस्था करें, तभी हमारा ये प्रयास सफल होगा। और मैं ये भी अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से इस गांव के लोगों ने ये बिना उठाया हुआ है, आसपास ही बहुत पहाड़ी हैं इस एरिया, इस पूरे बड़वानी ज़िले में वृक्षारोपण का बहुत स्कोप है। पूरी पहाड़ियाँ खाली पड़ी हुई हैं और सभी पहाड़ियों पर यदि हम लोग गाँव के लोग मिल करके गाँव का बिना उठाते हैं तो एक तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बचेगा और पूरा गांव में एक अच्छा माहौल बनेगा, हरियाली का वातावरण बनेगा और जो वृक्ष लगाने से पानी जो बरसता है, पानी भी मिलेगा और मिट्टी कटाव होगा, काफ़ी इसके फायदा होने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि जहां पेड़ हैं जीवन है, पेड़ हैं जल है, जल ही जीवन है, पेड़ ही जीवन है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।